हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल हेल्दी टेस्टी न्यू रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मूंग, जिसको मैंने रात भर भिगो कर रख लिया है, और आधा कप सफ़ेद चना है, इसको भी मैंने भिगो कर रखा है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं हरा मूंग बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें विटामिन, प्रोटीन, फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मूंग को ग्राइंडर में डालेंगे। मूंग को मैंने जार में डाल दिया है और साथ में डालेंगे सफ़ेद चने को। मैंने 6 लहसुन की कलियां ली है, थोड़ा सा अदरक आधे इंच का लिया है, और 2 हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्चियां बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसको दरदरा पीसना है, ये हमें सूखा ही चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मूंग को चने को बिल्कुल दरदरा पीस लिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब स्टीमर में लगाएंगे कॉटन का कपड़ा। कॉटन का कपड़ा इसलिए लगाएंगे कि बरियां इसमें फैले नहीं, डायरेक्ट लगाने पे वो बतासे की तरह फैल जाती हैं। इसमें हम बिल्कुल गोल गोल सा पकौड़ी जैसा डालेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बरियों को बनाना है। बरियों को दूर दूरी रखिएगा ताकि वो एक दूसरे से सटे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बरियों को दूर दूर रख लिया है और भगोने में चढ़ा दिया है 1 गिलास पानी। अब इसको गर्म करेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब इसको स्टीम करेंगे। मैंने इसको चढ़ा दिया और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप सिंपल कढ़ाई में भी एक कटोरी रख के, जो आटा चालने वाली चलनी होता है, उस पर कपड़ा बिछा के बरियों को उस पर रख के उबाल सकते हैं। ऊपर एक थाली से ढक दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं बरिया स्टीम हुई कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम एक चाकू लिए हैं, इससे इसके बीचों बीच इस तरीके से चेक करेंगे। अगर इसमें नहीं लगता है तो समझ जाएंगे कि बिल्कुल स्टीम हो चुका है। अब इसको ठंडा करेंगे 5 मिनट के लिए, फिर निकालेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड 1-2 और चेक कर लेते हैं कि सब हो तो गए अच्छे से। तो देखिए, इसमें भी नहीं लगा, ये ठंडा हो चुका है। इसे अब निकाल लेंगे और जितना बचा हुआ है मसाला उसकी भी बढ़िया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये बहुत आसानी से निकल जा रहा है। सारी बरियों को मैंने निकाल लिया है, और भी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारी बरियाँ स्टीम हो चुकी हैं। अब गैस पे चढ़ा देंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, 1 गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता डालेंगे, आप इसके जगह पे करी पत्ता भी डाल सकते हैं, 1 प्याज, 4-5 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का पेस्ट बना लिया है मैंने। सारी चीजों को तेल में डालेंगे। प्याज को लगभग 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट तक मैंने प्याज को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, 2 टमाटर को मैंने पीस लिया है। अब इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टमाटर प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मसालों को डालेंगे। 1 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे
एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला, एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर जो तीखा बहुत कम है, दो छोटी चम्मच डालेंगे नमक, सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। चार मिनट हो चुके हैं, देखिए मेरा मसाला भी भून चुका है, तेल ऊपर आ चुके हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना ग्रेवी अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो आप पानी कम डालिए, अब पतला ग्रेवी पसंद है तो पानी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छे से उबाल आने तक इसको पकाना है, तो इसको ढककर पका लेते हैं। ग्रेवी में अच्छी सी उबाल आ चुकी है, अब इसमें बरियों को डालेंगे। अब इसमें एक एक करके बरियों को डाल देना है। फ्रेंड्स, ये सब्जी हेल्दी तो है, साथ में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बरियों को मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा धीरे धीरे इसको चला करके दो मिनट के लिए ढककर और पकाना है इसे, फिर हमारा सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है, मेरी सब्जी में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनी है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया है, धनिया पत्ती से मैंने गार्निशिंग कर दी है। फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरीके की हेल्दी टेस्टी एंड क्विक रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू।